अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कोफ्ते के मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही शानदार और जानदार बनती है। आप इससे एक दफ़ा बना के रख लें, जब भी कोफ्ते बनाने हों आप इसको कोफ्तों के अंदर डालें और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। तो ये मैंने लिया है कचरी पाउडर 1 टीस्पून, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े तकरीबन ½ टीस्पून, धनिया खुश्क 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जावित्री और ये छोटा सा जायफल का फूल है और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और काली मिर्च और लौंग। ये आप तकरीबन काली मिर्च और लौंग जो है वो 10-10 अदद ले लें। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जब आपने बनाना हो आप इसको देख के ईज़िली बना सकते हैं। तो फ्राई पैन लेंगे, उसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। हल्का सा गर्म करेंगे, बिल्कुल लो हीट पर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें मैंने गोल मिर्चें डाल ली हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पीस लिया है सारा मसाला, ये देखें इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। आप इसको बनाएंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपने जब भी कोफ्ते बनाने हो यही मसाला यूज़ करें, यकीन करें इससे इतने नरम इतने सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं, क्रैक भी नहीं आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने नमक डाल लिया है और इसमें लाल मिर्च डालूँगी पिसी हुई, 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के और हल्दी डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो क्योंकि ये मसाला एक दफ़ा नहीं 3 से 4 दफ़ा कोफ्ते बनाने के बराबर ये मसाला हो जाएगा। हमने जब भी बनाना है तो 2 टीस्पून के हिसाब से ही हमने इसमें मसाला डालना है कोफ्तों के अंदर। तो ये 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। तो ये सारा मसाला हम मिक्स करेंगे और एक डब्बी या किसी जार के अंदर, प्लास्टिक की या शीशे के जार में आप बंद करके इसको रख सकते हैं। ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको एक दफ़ा बना के रख लें तो इंशाल्लाह आपको जब भी कोफ्ते बनाने होंगे आपको इजी हो जाएगा। तो ये देखें मसाला जितना मुझे चाहिए है मैं इसके अंदर डालूँगी, उतना ही निकाल लिया करूँगी। आपने ये जो 1 टीस्पून है इसी के हिसाब से आपने 2 चम्मच लेने हैं। ये देख लें आपके सामने ढेर सारा मसाला तैयार हो चुका है। जब भी कोफ्ते बनाएंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव आगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोबारा किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। उस वक्त तक के लिए अपना का ख्याल रखें और मेरी रेसिपी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।